अभी तो मिजान खिलाएगा मेरे को, मिजान खिला मेरे को पापा को, पिज़्ज़ा मेरे को खिला प्लीज, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कुरला, जहाँ मेरा ससुराल है, तो वहाँ जा रही हूँ। ये देखिए रेड ड्रेस जो है वो बहुत ही प्यारा, जो हस्बैंड लाए थे, मैंने दिखाया था आपको, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो आज हम जा रहे हैं मेरे ससुराल, एंड आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, बिकॉज मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं फाइनली, एंड बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बट ये जो 1K सब्सक्राइबर का व्लॉग, मैंने सोचा था कुछ मैं अलग तरीके से बनाऊंगी या कुछ अलग, ये टाइम पे मैंने नहीं सोचा था कि इस टाइम बन जाएगा। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या हुआ जिससे मैंने 1K सब्सक्राइबर का सेलिब्रेशन यहाँ पर कर लिया। तो अभी चलिए, अभी पहुँच गए हैं हम लोग कुरला, एंड जाते हैं घर पर। एंड मिजान तो बहुत खुश रहता है जब भी वो कुरला जाता है, और उसके पप्पा से मिलता है जो उसके दादाजी है, तो उसको बहुत पसंद है वहाँ जाना। एंड यहाँ पे फुल टाइम एसी ऑन, बिकॉज हम लोग गए थे रमज़ान के टाइम पे, मेरी जेठानी है, फुल टाइम एसी ऑन रख के हम लोग तो मतलब मज़े से बैठे थे। एंड यहाँ पे इफ्तारी बन रही थी, एंड यहाँ पे शाही रोल बन रहा है जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, उनको पता है। तो यहाँ पे जेठानी जी जो है वो शाही रोल बना रही है हमारे लिए। एंड ये रमज़ान के टाइम में मैंने शूट किया था, बट लेट हो गया बिकॉज हस्बैंड आने वाले थे। तो कुरला कुरला पापा नहीं है, पापा दुकान पे गए। सुनो, पापा शॉपिंग आया, पापा शॉपिंग गए, लेके नहीं गए अपने को, बोलेंगे पापा आने दे उनको, ये पापा शॉपिंग। हाँ पापा को देखेंगे अपन, जाने दे शॉपिंग को, शॉपिंग नहीं लेके गए। तो यहाँ पे इफ्तारी की तैयारी हो गई है, बस इसे फ्राई करना है। तो अभी हम चलते हैं एंड फ्राई करते हैं, बट उसके पहले एक चीज़ और, पापा आ गए हैं जो कि है मिजान के दादाजी, मेरे ससुर जी, एंड अभी आ रहे हैं भाईजान जो कि मेरे जेठ जी है। एंड यहाँ पे दोनों भाइयों का मिलाप हो रहा है, वो भी 1.5 साल के बाद, इसलिए खुशी तो आप दोनों के चेहरे पर देख ही सकते हो, दोनों गले मिल के छोड़ ही नहीं रहे एक दूसरे को। तो अभी यहाँ पे हमने फ्राइंग स्टार्ट कर दी है, 6 बज गया है, तो जल्दी जल्दी फ्राई कर लेते हैं सब कुछ, सब रेडी कर देते हैं। एंड यहाँ पे शाही रोल हो रहा है, एंड ये थे रेशे कबाब, रेशे कटलेट, बहुत ही मज़ेदार थे। आप तो जानते हैं कि इनका चैनल है मेरी जेठानी का जो कि है एस्त्री किचन, तो आज एस्त्री किचन की तरफ से इतना सारा इफ्तारी बनाए थे, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज था, बहुत अच्छा लगा खा के। एंड मेरा फेवरेट पुदीने का जूस भी बनाए थे, उनको पता है मेरे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो बराबर उन्होंने वही सोच के वही मेरे लिए सब बनाए। ये कैरेमल पुडिंग बहुत ही अमेजिंग थी, ये भी मेरा फेवरेट है। एंड ऐसा लग रहा था कि भाई के लिए नहीं, मेरे लिए बनाया गया है सब कुछ तो बहुत मज़ा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। केक है वो तो दिख रहा है मेरे को। ओके तो ये था प्यारा सा सरप्राइज फ्रॉम माय जेठानी जो कि है एस्त्री किचन की तरफ से, ये केक था बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत। थैंक यू सो मच। तो सबकी खुशी का अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं, जब हम साथ में मिलते हैं तो बहुत खुश रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।